सुन सकते हैं ना कितनी क्रिस्पी सी रेसिपी है। आज मैंने बहुत इजी तरीके से और बहुत मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ जो शक्करकंद से बना है। मैंने यहाँ लेकर आया है शक्करकंद का टिक्का रेसिपी या फिर स्वीट पोटैटो टिक्का रेसिपी। चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे बनाते हैं मज़ेदार सी रेसिपी, यूनिक सी रेसिपी। लेट्स स्टार्ट इट। और हाँ, स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और प्लीज़ मेरे वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, और नहीं हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। शक्करकंद का टिक्का है तो शक्करकंद ही ज़रूरत होगा। इसके लिए सबसे पहला इंग्रेडिएंट है शक्करकंद, जिसे हमने बॉईल कर मैश कर लिया है। आपको एक मज़ेदार सी टिक बताती हूँ मैं बॉईल करने के लिए। मेरी मम्मी ने इसे सारा रात भिगो कर रखा था। मॉर्निंग उठकर हमने एक कुकर में थोड़ा सा ऑयल ऐड किया और शक्करकंद को ऐड कर इसे हमने सीटी के लिए रख दिया। थोड़ा भी पानी ऐड नहीं किया है इसमें हमने। तो शक्करकंद को हमें ऐसे लेना है और एक पतीला लेना है। पतीले में हमें ऐड कर देना है अनियन। मैंने यहाँ लिया है एक अनियन, जिसे मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है, बहुत ज़्यादा बारीक चॉप कर लिया है। इसे हमें ऐड कर देना है एक पतीले में। जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर देना है 1/2 टेबल स्पून, और इसमें हमें ऐड करना है ग्रीन चिल्ली 1/2 टेबल स्पून, और इसमें हमें ऐड कर देना है कॉर्नफ्लोर 1 टेबल स्पून। शक्करकंद ऐड कर देंगे, जिसे हमने बॉईल कर मैश कर लिया था, और इसमें हमें ऐड कर देना है अमचूर पाउडर। आप चाहे तो इसमें लेमन भी यूज़ कर सकते हैं, बस थोड़ा सा खटास के लिए मैंने इसमें अमचूर पाउडर ऐड किया है। आप देख सकते हैं कितना कम इंग्रेडिएंट यूज़ किया है मैंने इसमें। इसमें मैं ऐड कर दूंगी जीरा धनिया पाउडर 1/2 टेबल स्पून, नमक ऐड कर देंगे स्वाद अनुसार, और सब इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सब इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स होने के बाद इसमें मैं ऐड कर दूंगी रेड चिली पाउडर 1/4 टेबल स्पून ऐड किया है। थोड़ा सा स्पाइसीनेस के लिए मैंने इसमें स्पून ऑयल भी ऐड कर दिया है। थोड़ा सा मिक्स करके बॉल बना लूंगी। हाथों की मदद से अच्छे से बॉल बना लेना है। मीडियम साइज के बॉल्स हमें बनाकर इसे दबा देना है। आप चाहे तो बड़े भी बना सकते हो। तो तैयार हो चुका है हमारा टिक्का, तो अब मैं इसे फ्राई कर लूंगी। आलू फ्राई करना है मुझे यहाँ, तो मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है। ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका था और मैं अभी टिक्का इसको ऐड कर दूंगी। फ्लेम को मैंने हाई फ्लेम पे ही रखा था, अभी मैंने लो फ्लेम रखा है। जब टिक्का को ऐड करेंगे तब लो फ्लेम पे रख देना। साइड को हमें 3 से 4 मिनट के लिए कुक कर लेना है। फिर हम साइड्स को टर्न कर देंगे और दोनों दूसरे साइड को भी 5 मिनट्स के लिए कुक कर लेंगे, और फ्लेम को ऑफ कर दूंगी अब मैं। रेसिपी तैयार भी हो चुका है और इसकी सर्विंग भी हो चुकी है। कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। ये रेसिपी मैंने ट्राई किया है लगभग 1 हफ्ते हो गए। मेरे स्कूल स्टार्ट हो गया है दोस्तों, इसलिए मैं मुझे टाइम नहीं मिल रहा है रेसिपीज़ को मर्ज करने में, वीडियो को एडिटिंग करने में। तो थोड़ा देर से मैं रेसिपी छोड़ रही हूँ और हफ्ते में एक ही बार मैं वीडियोज़ आपको अपलोड कर रही हूँ। तो सॉरी दोस्तों, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत ज़्यादा क्रिस्पी रेसिपी है, बहुत ज़्यादा टेस्टी है। मैंने इसको ट्राई किया है, बहुत ज़्यादा मेहनत किया है रेसिपी बनाने में। प्लीज़ एक लाइक तो बनता है, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। फिर मिलेंगे ऐसे ही नई रेसिपी या व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।